Hello everyone, this is your computer teacher Mansi Bansal. Today we are going to start chapter 4, that is working with tables. As you know, we have already worked with Microsoft Word. Microsoft Word में हम लोग already work कर चुके हैं and we already know कि हम इसको क्यों use करते हैं. We can create our documents and letters. ठीक है, हम इसमें लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं. तो टुडे वी विल मेक सम टेबल्स इन एमएस वर्ड. एमएस वर्ड में टेबल्स कैसे बनाते हैं एंड कैसे उन पे पूरी एडिटिंग करते हैं, दीज थिंग्स वी विल लर्न टुडे. सो लेट अस स्टार्ट. सपोज हियर आई वांट टू इंसर्ट अ टेबल. सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, लाइक दिस इज चैप्टर नेम वर्किंग विद टेबल्स. सो वर्किंग विद tables. Okay, normally typing you will do, and I am selecting this text and putting it at the center using this CTRL plus E. के हम लोग use कर सकते हैं, यहाँ पे CTRL plus E को हम press कर सकते हैं. Now I am just clicking on this and you can see center में हमारा आ गया है. इसको underline कर रही हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा इसका size बढ़ा रही हूँ. Okay, and I am changing the style of font. Okay, using this. ओके, तो ये सब मैंने चेंज कर लिया है. नाउ सपोज आफ्टर दिस एट द दिस लाइन हेयर आई वांट टू इंसर्ट अ टेबल. मुझे यहाँ इस लाइन में एक टेबल इंसर्ट करनी है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड हेयर यू विल फाइंड टेबल ऑप्शन. यहाँ पे आपको टेबल ऑप्शन पे यहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो एंड यू कैन सी वी कैन ड्रैग. जितने भी हमें टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग उनको ड्रैग कर सकते हैं एंड टेबल हमारी डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट हो सकती है. जितने भी हमें टेबल में रोज एंड कॉलम्स चाहिए वी हैव टू जस्ट ड्रैग ऑन दिस एंड यूजिंग दिस वे दिस इज कॉल्ड यूजिंग टेबल ग्रिड. सो यूजिंग दिस टेबल ग्रिड वे वी कैन इंसर्ट अ टेबल. ठीक है, and if we don't want to use it we can click on this insert table. dialog box will come, click on this insert table and ye hamare samne dialog box aa gaya. then how many columns and how many rows you want in the table. suppose I want only 2 columns and 4 rows. okay, so how many rows and columns you want in the table you have to write here and then click on okay. ठीक है, मैंने 2 कॉलम्स लिए थे तो देयर आर 2 कॉलम्स एंड आई हैव टेकन 4 रोस तो देयर आर 4 रोस. ओके, so this way we can insert the table. this is very simple. and when you insert the table, जब हम table insert कर देते हैं, then you will see table tools ऊपर आएगा. here you can see table tools and यहाँ पे design tab and layout tab, 2 tabs will come automatically. ठीक है, 2 tabs हमारे साथ पास अपने आप आ जाएंगे table में formatting करने के लिए. okay, so first of all see how to insert the data in table. ये जो हमने table बनाई है उसमें हम data कैसे insert करते हैं. suppose here I am writing. Here cursor you will see in the first cell. यहाँ पे हमारे सामने cursor आ रहा है. अगर नहीं आता होता है तो we have to just double click. जहाँ पे cursor लाना है we have to just double click and you will see cursor will display there. So यहाँ पे मैं लिख रही हूँ serial number. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ name. ठीक है, suppose कुछ names and serial numbers मुझे यहाँ display करने हैं and I have taken underline. So सब कुछ underline आ रहा है. size भी बहुत बड़ा हो रहा है font का. So I just make it low. And now I am writing here serial number 1, 2, and 3. ठीक है, फिर से ये underlined हो गया है, तो we have to select it. Just use the mouse to drag your mouse. Click here, then keep the mouse का left वाला button हमको दबा के रखना है. जब नीचे की तरफ drag करेंगे, तो ये हमारी दोनों चीजें select हो गई. Select this, then this will be non-underlined. And here you can decrease the size. ठीक है, ये हमारा decrease हो गया. Now I am writing some names here. सपोज राम. ठीक है, राधा एंड सीता. जस्ट ड्रैग इट एंड सिलेक्ट इट एंड गो इन दिस ऑप्शन टू रिमूव अंडरलाइन एंड टू चेंज द साइज यूज दिस. ओके, सो दिस वे वी कैन एंटर द डेटा इन अ टेबल एंड वी कैन फॉर्म इट अकॉर्डिंग टू आर च्वाइस. ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पे. सपोज हमारा कर्सर अभी यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और हमको अगर नेक्स्ट में जाना है देन यूजिंग द कीबोर्ड, अगर हमें कीबोर्ड को यूज करके नेक्स्ट कॉलम में जाना है देन वी कैन यूज एरो कीज. ठीक है, एरो की से नेक्स्ट में आ जाएंगे, अप डाउन, अप से अप में चले जाएंगे, डाउन से नीचे की तरफ आएंगे, लेफ्ट से लेफ्ट साइड एंड राइट से राइट साइड. और हम लोग टैब की को प्रेस करके भी नेक्स्ट हमारे जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें जा सकते हैं. ठीक है, यूजिंग द टैब की.
शिफ्ट प्लस टैब की अगर हम यूज करेंगे तो वो हमें प्रीवियस कॉलम में या प्रीवियस रो में लेके जाएगा. ठीक है, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, इफ आई प्रेस शिफ्ट प्लस टैब देन इट विल टेक अस टू द प्रीवियस फील्ड. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू सिलेक्ट इट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमें कोई भी चीज सिलेक्ट करनी है वी कैन जस्ट ड्रैग द माउस ऑन इट. ठीक है, ये हमारा इतना पोर्शन सिलेक्ट करना है तो यू कैन ड्रैग योर माउस, तो हमारा ये सिलेक्ट हो गया. ठीक है, पूरा अगर हमें पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो यू हैव टू जस्ट ड्रैग योर माउस ओवर द होल रो. ठीक है, पूरी रो पे आप अपना माउस ड्रैग करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी. पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है देन देन जस्ट ड्रैग योर माउस एट द होल कॉलम. पूरे कॉलम पे आप अपना माउस को ड्रैग करना है नीचे की तरफ लाके. ठीक है, एंड इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट द होल टेबल, पूरी टेबल को अगर आपको सिलेक्ट करना है देन ये आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंटर दिख रहा है प्लस का साइन, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी. नाउ लेट अस सी हाउ टू मॉडिफाई अ टेबल. ये हमारी जो टेबल बनी है इसको हम मॉडिफाई कैसे करते हैं, इसमें रोज एंड कॉलम्स अगर हमें नए इंसर्ट करने हैं तो कैसे करेंगे. सपोज आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ न्यू रो हियर, ये वन लिखा हुआ है, इसके नीचे मुझे एक रो और चाहिए. सो हाउ टू डू दैट, वी हैव टू प्लेस द कर्सर जहाँ पे हमें रो इंसर्ट करनी है वहाँ पे हम पहले अपना कर्सर लाएंगे. Then we have to go in layout tab. In layout में you will find the option insert above. Insert above से हमारे इस रो के ऊपर की तरफ रो इंसर्ट होगी और अगर हमें नीचे की तरफ लानी है we have to click on insert below. इससे नीचे हमारी रो इंसर्ट हो जाएगी. क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी हमारी नई रो इंसर्ट हो चुकी है. ओके, एंड इफ आई वॉन्ट टू डिलीट इट, अगर हमें कोई भी रो डिलीट करनी है, सपोज ये वाली रो मुझे डिलीट करनी है, सो यू हैव टू कीप योर कर्सर वेयरएवर यू वॉन्ट टू डिलीट. अपना कर्सर आप रखिए जहां पे डिलीट करना है एंड इन द लेआउट टैब यू विल फाइंड डिलीट ऑप्शन. क्लिक ऑन द एरो एंड हेयर यू विल सी डिलीट रोज और डिलीट. अगर आपको पूरा कॉलम डिलीट करना है, ये वाला जहाँ पे कर्सर है, हमारा कर्सर यहाँ पे है, अगर हमें ये वाला कॉलम डिलीट करना है तो वी विल क्लिक ऑन डिलीट कॉलम, और अगर रो डिलीट करनी है तो डिलीट रो, और डिलीट टेबल से पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, और पर्टिकुलर केवल एक सेल डिलीट करना है तो क्लिक ऑन डिलीट सेल. ओके, सो आई एम इंसर्टिंग द रो, क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी रो हैज बीन डिलीटेड. ओके, नाउ आई एम राइटिंग दैट अगेन. ओके, सो दिस वे वी कैन इंसर्ट एंड डिलीट रोज एंड कॉलम्स. कॉलम्स में आपको इंसर्ट करके दिखा देती हूँ. सपोज मुझे ये हमारा एक कॉलम है, इसके बाद में अगर हमें कॉलम चाहिए तो वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट राइट. ठीक है, राइट साइड में इसके कॉलम इंसर्ट हो जाएगा. और अगर इसके पहले चाहिए मीन्स यहाँ इन दोनों के बीच में चाहिए, वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट लेफ्ट, तो इस जहाँ पे हमारा कर्सर है उसके लेफ्ट में हमारा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा. लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी कॉलम हैज बीन इंसर्टेड. ठीक है, यहाँ पे हमें जो भी चीज लिखनी है हम लिख सकते हैं. सपोज आई वॉन्ट टू राइट द क्लास. ओके, सो क्लास आई एम राइटिंग हियर. Next thing is formatting a table. हमारी जो टेबल बन गई है इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन डिजाइन टैब एंड हेयर यू कैन सी ऑलरेडी सम प्रीपेड स्टाइल्स आर गिवन. कुछ ऑलरेडी यहाँ स्टाइल्स बने हुए हैं, हमें जो भी स्टाइल चाहिए टेबल का वी कैन टेक द स्टाइल एंड यू कैन सी हमारी टेबल का पूरा स्टाइल चेंज हो गया है, पूरा डिजाइन हमारा चेंज हो गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज चेंजिंग कॉलम विड्थ. मीन्स हमारे ये जो कॉलम्स बने हुए हैं इनकी हमें अगर इनकी विड्थ चेंज करनी है देन व्हाट वी विल डू. फर्स्टली सपोज ये हमारा कॉलम है, इसकी हमें विड्थ चेंज करनी है, वी हैव टू फर्स्टली कीप द कर्सर. जहां पे भी हमें विड्थ चेंज करनी है वहां पे आप कर्सर रखेंगे. देन यू हैव टू गो इन द लेआउट टैब. ओके, इन लेआउट टैब हियर यू कैन फाइंड. ठीक है, ये हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजों को चेंज करने का ऑप्शन आप यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है आपको. ठीक है, यू कैन सी इसकी यहाँ पे विड्थ चेंज हो रही है हम कर रहे हैं तो. ठीक है, सो यूजिंग दीज बटन्स यू कैन डायरेक्टली चेंज इट. ओके, एंड इफ यू वांट टू डू मोर देन यू कैन क्लिक ऑन दिस एरो. ये आपका सेल साइज का एक एरो बना हुआ है, हियर यू कैन सी दिस एरो. सो क्लिक ऑन दिस एरो एंड यू विल सी यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि कॉलम की आपको कितनी विड्थ रखनी है. यहाँ से यू कैन चेंज द विड्थ. ठीक है, इंचेस में या पॉइंट्स में परसेंटेज में यू कैन सेट इट एंड देन यू हैव टू कम एंड क्लिक ऑन ओके. ठीक है, सो दिस वे वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम. ओके, एंड दिस थिंग ऑल्सो लेट अस सी ऑटो फिट. ऑटो फिट मीन्स हमारी ये जो टेबल बनी है आप देख रहे हैं सीरियल नंबर केवल छोटी सी जरा सी जगह पे लिखा हुआ है एंड पूरा कॉलम ये सीरियल नंबर ले रहा है, इतना बड़ा कॉलम ले रहा है. तो ऑटो फिट से क्या होता है, ऑटोमेटिकली टेबल में जितना भी टेस्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को
छोटा या बड़ा कर लेता है. सो हेयर यू हैव टू क्लिक ऑन एरो एंड यू कैन सी ऑटो फिट टू कंटेंट्स. अगर हम ऑटो फिट टू कंटेंट्स कर देते हैं तो जितना लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा. लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी जितना लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारे टेबल्स के जो कॉलम्स हैं वो डिक्रीज हो गए. ओके, नाउ लेट अस सी. ऑटो फिट के अंदर हमारा एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट विंडो. ऑटो फिट विंडो से क्या होगा, हमारा पूरा पेज ये लेगा, पूरा जितना हमारा पेज है उसको ये पूरा कवर कर लेगा. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को सेट कर लेगा. और नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉलम विथ. फिक्स्ड कॉलम विथ से जितनी हमने कॉलम की विथ सेट की है, जो यहाँ पे 2.24 सेट की है, तो वो उतनी रहेगी. ठीक है, वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, अगर हम फिक्स कॉलम विड्थ देते हैं तो ये 2.24 के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा. ठीक है, सो दीज थ्री ऑप्शंस आर देयर इन ऑटो फिट. यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग सेल्स. जैसे हमारे पास सपोज ये सेल है, एक ये वाला सेल है. ठीक है, यहाँ पे मैं अपना पॉइंटर रख देती हूँ. पहले मैं आपको शो कर देती हूँ, यहाँ पे बॉर्डर्स शो नहीं हो रहे हैं. सो क्लिक ऑन डिजाइन एंड यहाँ पे बॉर्डर्स शो नहीं हो रहे थे, लाइनिंग शो नहीं हो रही. सो क्लिक ऑन दिस एंड हेयर यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल बॉर्डर्स सो दैट ऑल बॉर्डर्स कैन बी शोन प्रॉपरली. ठीक है, प्रॉपरली पूरे शो नहीं हो रहे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, केवल उतने पोर्शन पे हुए हैं जितना हमने सिलेक्ट किया हुआ था. तो पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद में यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो एंड देन ऑल बॉर्डर्स. ठीक है, सारे बॉर्डर्स यहाँ पे अब शो होने लगे हैं. नाउ यू कैन सी स्प्लिटिंग सेल्स. जो सेल्स हैं उनको स्प्लिट करना मीन्स उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो कैसे करेंगे. सपोज मेरे पास यहाँ पे है क्लास, ये वाला जो पोर्शन है मुझे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. जो यहाँ पे वन लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा कर्सर है, मुझे इस कॉलम इस पर्टिकुलर सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. देन हाउ टू डू दैट, फर्स्टली वी हैव टू गो इन लेआउट टैब. लेआउट टैब में जाएंगे एंड हेयर यू कैन सी स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्प्लिट सेल्स. ठीक है, कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है, टू में, थ्री में, जितने भी कॉलम्स में आपको इसको डिवाइड करना है यू हैव टू राइट हेयर. सपोज मुझे टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, सो आई विल राइट हेयर टू एंड देन क्लिक ऑन ओके. नाउ यू कैन सी ये जो हमारा जो ये सेल है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. सो यूजिंग दिस स्प्लिट सेल्स ऑप्शन वी कैन डिवाइड द सेल अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. ठीक है, नेक्स्ट इज मर्जिंग सेल्स. सेल्स को मर्ज करना है. सपोज मैं ये चाह रही हूँ ये सीरियल नंबर और ये क्लास वाला पोर्शन ये दोनों मर्ज हो जाए, मीन्स दोनों ज्वाइन हो जाए, तो कैसे करेंगे. सपोज मैंने अभी जो ये वाला कॉलम जो ये सेल डिवाइड किया है टू पार्ट्स में स्प्लिट किया है, इसको मैं फिर से वापस से ज्वाइन करना चाह रही हूँ इन दोनों को, तो कैसे करेंगे ज्वाइन. सिलेक्टिंग दिस, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इन तीनों को मुझे ज्वाइन करना है, तीनों को मर्ज करना है. सो फर्स्टली आई विल सिलेक्ट दिस एंड यू विल सी हियर मर्ज सेल्स ऑप्शन. ठीक है, मर्ज सेल से क्या होगा, ये तीनों ज्वाइन हो जाएंगे, तीनों का जो डेटा है वो एक सेल में डिस्प्ले हो जाएगा. सो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी तीनों ज्वाइन हो चुके हैं और दोनों में वन वन लिखा हुआ था, तो दोनों सब डेटा एक जगह पे डिस्प्ले हो रहा है. यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन सी ये हमारा मर्ज हो गए. मर्ज मींस ज्वाइन. सो स्प्लिट मींस डिवाइड एंड मर्ज मींस ज्वाइन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग. हमारी जो ये टेबल है इसमें हम बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स अपने अकॉर्डिंग कैसे सेट कर सकते हैं. ठीक है, अब मैंने आपको प्रीपेड डिजाइन तो दिखाए हैं, कुछ ऑलरेडी बने हुए डिजाइन है हमारे पास, इनको तो हम यूज कर ही सकते हैं. बट अगर हम चाहें तो हम ब्लैंक वाला इसमें से कुछ नहीं ले रहे हैं हम. ठीक है, प्लेन टेबल ले रहे हैं और इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसमें बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर्स लगाएंगे. सो हाउ टू डू दैट, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो. ओके, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी दिस डायलॉग बॉक्स विल कम. ठीक है, जब आप लोग एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा एंड यूजिंग दिस यू कैन चेंज द बॉर्डर एंड शेडिंग्स ऑफ योर टेबल. अपनी टेबल के आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग चेंज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मेरे पास में ये वाला मुझे चाहिए जिसमें सब तरफ लाइनिंग आ रही है. ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे. हमें कलर कैसा चाहिए लाइनिंग का, वी कैन टेक द कलर वट एवर वी वॉन्ट. सपोज मुझे रेड कलर चाहिए बॉर्डर का. ठीक है, सब तरफ मुझे बॉर्डर चाहिए और कलर मुझे रेड चाहिए. कितनी मोटाई चाहिए बॉर्डर की, यू कैन चेंज द विड ऑल्सो. सपोज दिस. ठीक है, एंड अप्लाई टू टेबल. ठीक है, ये तो हमारे बॉर्डर्स हो गया. देन पेज बॉर्डर, जो पेज हमारा आ रहा है उसका बॉर्डर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ आर्ट्स डिजाइनिंग भी होती है हमारे पास, यू कैन टेक द डिजाइनिंग. एंड देन शेडिंग के अंदर, शेडिंग के ऑप्शन को यूज करके जो टेबल के अंदर कलर भला हुआ है यू कैन चेंज दैट ऑल्सो, चेंज द कलर. ठीक है, स्टाइल आपको कितना डार्क रखना है या कितना लाइट रखना है, मीन्स 15% केवल कलर उसमें आएगा या 20%, 25%. यहाँ सो मेनी कलर ऑप्शन आर गिवन हेयर. ओके, सो ट्रांसपेरेंसी कैसी रहेगी कलर की, यू कैन टेक फ्रॉम हेयर एंड क्लियर चाहिए तो क्लियर, देन क्लिक ऑन ओके.
एंड यू कैन सी हमने टेबल का जो सॉरी हमने जो पेज का पूरा बॉर्डर लिया था वो हमारा पेज का बॉर्डर यहाँ आ चुका है. एंड टेबल में हमने रेड कलर का लिया था तो वो रेड कलर का आ गया है. बैकग्राउंड में हमने येलो लिया था तो येलो हमारा शेडिंग में हमने लिया था वो हमारा यहाँ आ चुका है. ओके और अगर आपको ये सब कुछ येलो नहीं चाहिए केवल ऊपर का येलो चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद में आप वहां से चेंज कीजिए. सिलेक्ट दिस पोर्शन, ये वाला नीचे वाला हमें येलो नहीं चाहिए तो यहाँ से भी आप शेडिंग पे जाके यहाँ एरो में क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी आपको कलर यहाँ चाहिए. ठीक है, सो दिस वे वी कैन सेट द फॉर्मेट ऑफ द टेबल. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन इन अ टेबल. टेबल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं. ठीक है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 2 एंड 3 लिखा हुआ है, मुझे यहाँ नीचे एक रो चाहिए और 2 और 3 का एडिशन मुझे नीचे चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, फर्स्टली वी हैव टू इंसर्ट अ रो हेयर. ठीक है, रो इंसर्ट करने के लिए वी विल पुट द कर्सर, गो इन द लेआउट एंड देन इंसर्ट बिलो. ठीक है, ये हमारी रो नीचे आ गई है. नाउ सपोज आई वॉन्ट द एडिशन ऑफ 2 एंड 3 हेयर, सो वॉट आई विल डू, वी हैव टू यूज दिस लेआउट टैब एंड हेयर यू कैन सी क्लिक ऑन डेटा एंड यू कैन सी देयर इज अ ऑप्शन ऑफ फॉर्मूला. सो क्लिक ऑन दिस फॉर्मूला एंड आपको सम अबव ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है. ठीक है, आपको ऊपर का चाहिए ना एडिशन, सो यू विल यूज सम अबव फॉर्मूला एंड क्लिक ऑन ओके. ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जितने भी नंबर्स लिखे थे उनका यहाँ पे सम डिस्प्ले हो गया. 1, 2 एंड 3 का एडिशन यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, दैट इज 6. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अपडेटिंग कैलकुलेशन इन अ टेबल. हमारे पास जो टेबल बनी है उस टेबल में अगर हमने कुछ चेंजेस किए हैं, लाइक यहाँ पे मैंने 2 की जगह पे 4 कर दिया है, तो ये अपडेट कैसे होगा. यहाँ पे ये 6 की जगह पे नई कैलकुलेशन कैसे आएगी. फॉर दैट वी कैन यूज F9 की. F9 की आप यूज करेंगे MS वर्ड में तो ऑटोमेटिकली इससे अपडेट हो जाएगा यहाँ पे जो भी डेटा लिखा होगा. या फिर हम दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मूला टैब में जाके Here we can use it and you can see हमारा जो न्यू फॉर्मूला है वो अप्लाई होके हमारा यहाँ डेटा अपडेट हो गया है. ओके और यू कैन प्रेस F9 की ऑन द कीबोर्ड टू अपडेट इट. ओके चिल्ड्रन, सो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली एक्सप्लेन टूडे. आई होप द थिंग्स आर अंडरस्टूड टू यू. दिस मच फॉर टूडे. थैंक यू. बाय बाय.